प्यारे स्टूडेंट, सभी जुट जाओ फटाफट, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं समाकलन। बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। फटाफट जुड़ो फटाफट। गुड मॉर्निंग भाई प्रवीण, आरती, मनीषा, इंद्रजीत, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। एक बार फटाफट जुड़ जाओ तुम, फटाफट, टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट जुड़ो, फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। अभी तक सो रहे हो क्या? अभी तक जुड़े नहीं, इतना टाइम लगा दिया तुमने, सो गए भाई? जुड़ो एक बार फटाफट जुड़ो। फटाफट जुड़ो, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज की क्लास। देखो भाई, कह रहे हैं स्टार्ट। चंचल यादव अब जुड़ गए हैं। देखो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी, नमस्ते भाई, ओके सर, चंचल, मोहित, परवीन, चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत मजा आने वाला है आज पढ़ने में, टेंशन मत लो तुम। देखो, अगर हम बात करें, ये चौथा क्वेश्चन है, ये पांचवा क्वेश्चन है। मैंने दो तीन क्वेश्चन आपको फर्स्ट में करवा दिए, कहाँ पे गलती करोगे, कहाँ आपको सुधारना है, हर चीज बताऊंगा कि आप यहाँ पे ये गलती करोगे, आपको याद रखना है। बताने के बाद फिर दोबारा से वो गलती नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना, ठीक है? देखो क्या, जैसे आपको ऐसा दिखेगा कि सर sec स्क्वायर एक्स इंटू, देखो ये इंटू में आ गया, cosec स्क्वायर एक्स इंटू dx, यानी हमें एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, यानी इसका समाकलन करना है। ये बात तो सर ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे कि सर sec स्क्वायर एक्स का तो हो गया tan x, क्या हो गया tan x, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, और cosec स्क्वायर एक्स का हो गया सर माइनस cot x, और प्लस सी लगा के आप आंसर लिख दोगे, बल्कि वो 100% गलत है, टोटली गलत है वो, ठीक है? तो क्या करें सर, मैंने कल क्या बताया था कि मल्टीप्लाई के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर भाग में है तो आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको तो इतना याद रखना है कि कोशिश करूं मैं कि प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है? अब प्लस माइनस में कैसे करें सर, इनको ये मल्टीप्लाई में है भाई, पहले कोशिश करो कि ये प्लस और माइनस में आ जाए। तो सर कैसे करें, देखो कैसे करें भाई, ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस इतना जरूर कर सकते हैं कि सर sec स्क्वायर एक्स को आप 1/cos² लिख दो, और cosec स्क्वायर एक्स को सर 1/sin² लिख दो, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, बस आप तो इतना ही दिमाग लगा दिया, बहुत ज्यादा है। sec स्क्वायर एक्स को 1/cos² इंटू 1/cosec² को 1/sin² इंटू dx, क्योंकि cosec x है वो 1/sin x होता है, और जो sec x है वो 1/cos x होता है, ये 10th क्लास में हमने पढ़ा है भाई, पढ़ा है ना? अच्छा ठीक है सर, ये कर दिया, अब क्या करें? अच्छा एक बात बताओ, ऐसे लाइन कंप्लीट करके मैं नीचे इंटू में करके, और इन डबल एक की जगह एक ए लिख, एक ही एक लिख दूं, तो क्या गलत होगा क्या? अरे एक ही तो बात है, एक गुणा एक करोगे तो एक ही तो आने वाला है, यानी हमारे पास आया 1/cos² इंटू sin² सर पहले गुणा में थे, अब आपने तो इनको भाग में भेज दिया, अब भी तो समस्या है, समस्या है। अमन कुमार शर्मा गुड मॉर्निंग भाई, अभी भी समस्या है, मैं भी कह रहा हूँ अभी समस्या है, मैंने तो ये कहा था कि प्लस माइनस में लेके आओ, सर आपने तो क्या किया, गुणा में थे, अब नीचे भाग में ले आए। चलो अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, आपने ये पढ़ा था कि सर sin² प्लस cos² = 1 होता है, बताओ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? 10th क्लास में सर्वसमिका sin² प्लस cos² = 1 होता है, तो यही मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। कैसे सर? एक की जगह sin² प्लस cos² अपॉन में क्या है,
अपॉन में सर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू है डी एक्स। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जहाँ पे भी समझ में नहीं आता है वहाँ पे कमेंट लिखना स्टार्ट कर दें कि सर नहीं आया नहीं आया। मैं समझ जाऊँगा कि समझ में नहीं आ रहा, दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। भाई पहले इसको मैंने चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया, ये आ गया, अभी भी ये नीचे आ गए, प्लस माइनस में नहीं आए। तो मैंने एक की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर एक होता है तो एक की जगह ये लिख दिया। सर ये ऊपर का प्लस है लेकिन ये अभी भी भाग में है, अब फिर से हटाओ। कैसे? एक क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं कि जो एलशियम है वो इसके भाग में भी लिख सकते हैं और इसके भाग में भी लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? भाई जब आप इसके भाग में लिखोगे तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा तो वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बच जाएगा। क्या बच जाएगा? कोस स्क्वायर एक्स। फिर प्लस इसके अपॉन में भी एलशियम लिखोगे तो कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कट जाएगा यानी नीचे साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा यानी वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ब्रैकेट लगा के बाहर लिख दिया मैंने डी एक्स। क्या लिख दिया? डी एक्स। बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता कैसे आया। मेरे भाई एलशियम को ऊपर की संख्या के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि एलशियम दोनों का होता है। तो इसके अपॉन में भी ये लिख दिया, ये आ गया। इसके अपॉन में ये लिख दिया, ये आ गया। अभी भी सर भाग में है, भाग में आ गए, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग लिख दो। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन समाकलन वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? सर सेक स्क्वायर एक्स के। पीछे डी एक्स लेके आ रहा हूँ क्योंकि अलग अलग लिख रहा हूँ, बीच में प्लस है, फिर प्लस, फिर समाकलन वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कभी भी हमने नहीं सोचा होगा ऐसा कि ये दोनों ही मल्टीप्लाई में और ये दोनों ही प्लस में आ गए। कभी नहीं सोचा हमने कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी सेम आएगा और इन दोनों को जोड़ने पर भी सेम आएगा, कभी नहीं सोचा भाई, लेकिन आता है। देखो ये तरीका मैंने बताया, आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करो, आपका आंसर आ गया, ये समझो। देखो कैसे, आई इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिखवाया, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है तो इसका तो हो गया सर tan x, cosec स्क्वायर एक्स का cot x होता है लेकिन co आने के कारण माइनस cot x और पीछे क्या लगा दोगे? प्लस c। यही आपका आंसर है। एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ। गुड मॉर्निंग भाई दीपक, राहुल, देखो ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट कमेंट करो। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा सीखोगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। यस सर, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, आई इज इक्वल टू यहाँ इंटीग्रेशन यानी इसका समाकलन करना है। देखो 1 प्लस एक्स तो ठीक था, रिपीट करो सर। देखो देखो भाई, देखो ये मल्टीप्लाई में थे तो मैंने इनको भाग में भेज दिया। कैसे? sec स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स, cosec स्क्वायर एक्स को sin x, sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं भाई। ऊपर एक था, देखो नीचे तो ये है, अब ऊपर एक है, अभी भी देखो ये भाग में है, अभी भी ये किस में है? भाग में है। तो इसको हटाने के लिए मैंने एक की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया और एलशियम दोनों का होता है तो एक बार इसके नीचे लिख दिया, एक बार इसके नीचे लिख दिया। जब इसके नीचे लिखोगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसके नीचे लिखोगे तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा और वन अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स, बीच में प्लस वन अपॉन साइन कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका समाकलन सिर्फ फॉर्मूला रखना है, यहाँ सही है। देखो 1 प्लस एक्स तो सर यहाँ तक तो ठीक है प्लस में, लेकिन इसके गुणा में आ गया, ये एग्जाम में आया हुआ है, एक नंबर का सवाल एग्जाम में आया हुआ है, इसके ये गुणा में आ गया। सर इस गुणा को हटाओ पहले, और अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का मतलब सबको पता है कि सर x की पावर 1/2 होता है। क्या होता है?
x की पावर 1/2 होता है भाई। चलो तो I इज इक्वल टू समाकलन, देखो अंडर रूट x का गुणा इस एक से करोगे तो x की पावर 1/2 लिख दूं भाई, अंडर रूट x ही तो आएगा जब इसका गुणा इससे करोगे, फिर प्लस देखो x तो है ही और इसका गुणा और होगा तो x की पावर 1/2, और बाहर क्या है सर, बाहर dx है। अलग अलग लिख दो, अलग अलग लिखते हैं, देखो x की पावर 1/2 इंटू dx, फिर प्लस देखो ये दोनों इनका आधार सेम है तो गुणा में घात जुड़ती है भाई, क्या होती है जुड़ती है, तो x की पावर 1 और x की पावर 1/2 तो x की पावर 3/2, देखो अलग अलग लिख दूं तो यहां पे भी समाकलन इंटू dx। अब इसका समाकलन करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, बताओ लगेगा कि नहीं, और x की पावर n का फॉर्मूला क्या है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, यानी पावर में एक जोड़ना है और जो पावर ऊपर आती है वो ही नीचे लिखना है। चलो लिखो, एक पावर जोड़ोगे तो x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 आएगा, लेकिन मैंने बताया था ना कि जो पावर है ना उनको उल्टा लिख दो, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 2/3, अरे बताया था ना अपॉन में 3/2 लिखोगे तो 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे रहेगा भाई, फिर प्लस एक पावर जोड़ो तो 3/2 प्लस 1 5/2, यानी x की पावर 5/2 तो अपॉन में भी 5/2 लिखोगे, लेकिन आगे क्या आएगा 2/3 और प्लस सी, यही आपका आंसर। फॉर्मूला कौन सा लगा है, इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू dx यदि आ जाए तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, एक घात जोड़ दो, घात के अंदर एक जोड़ दो और जो ऊपर आया है वो ही नीचे लिख दो। फटाफट कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, 2 दिन में आपको समाकलन के अंदर बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, बस आपको थोड़ा सा करना है, घर पे थोड़ा सा पढ़ना है, जो मैं पढ़ाऊँ एक बार रिपीट जरूर कर लो घर पे कि हाँ आज ये पढ़ा था, इसमें ये था, ठीक है। चलो सबके समझ में आ गया, वेरी गुड, चलो तो आगे चलते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अच्छा ये हो गया 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, आई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स इंटू डी ए, क्वेश्चन नंबर सेवन, सारे क्वेश्चन करूंगा, टेंशन मत लो इसमें, क्योंकि ये इसका बेस है, ये ही आधार है भाई। सर 2/5 आएगा कहाँ मेरे भाई, मैं 2/5 नहीं लिखा क्या, ऊपर तो 5/2, देखो घात में तो 5/2 आया था, ठीक है, और उसके अपॉन में 5/2 आएगा तो वो उल्टा होके 2/5 हो जाता है, फिर है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आएगा ये, बार बार आने वाला है ये, और ये क्वेश्चन देखो कितना छोटा है, लेकिन ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार तो नेवी एयरफोर्स में आ चुका है, और ये सेकंड ग्रेड में जो अभी भी भर्ती हुई थी टीचर की उसमें भी ये क्वेश्चन आया था,
मतलब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और इसमें से 90% गलत करते हैं, 10% सही करते हैं, 90% गलत करते हैं। कारण क्या है अभी समझाऊंगा मैं। देखो कारण ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी, आप भी क्या करोगे, ये करोगे कि सर एक ही पावर एक्स, अरे सर ये तो फॉर्मूला आ गया मेरे को पता है, एक ही पावर एक्स अपॉन में लॉग ए होगा सर आंसर प्लस, बल्कि और पहला ऑप्शन यही मिलेगा, पहला ऑप्शन यही मिलेगा a की पावर x अपॉन में लॉग a प्लस c, और सब पहले पे ही टिक मारेंगे और तुम भी मारोगे पहले पे टिक और घर आके कहोगे कि ये क्वेश्चन मेरा सही हो गया, मेरा नेवी एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। बल्कि ऐसा नहीं हुआ, आपने गलत कर दिया, थोड़ा ध्यान नहीं दिया क्या, ये बिल्कुल सही होता लेकिन कब, जब ये x के सापेक्ष होता। किसके सापेक्ष होता, जब x के सापेक्ष आप समाकलन करते। पीछे ध्यान दो, dx नहीं लिखा इसने, dx की जगह dA लिख दिया। क्या लिख दिया, dA लिख दिया। इसका मतलब है कि a के सापेक्ष, ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष समाकलन करना है। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, ए की रेस्पेक्ट में करना है, लेकिन वहां एग्जाम का दबाव होता है, हमारा इतना दिमाग नहीं चलता, बस हम तो ये देखेंगे ए की पावर एक्स, सूत्र आ गया, सूत्र लिखना है, पहला ऑप्शन ये मिला, आगे जाने की आवश्यकता है नहीं और गलत करके घर आ जाएंगे। यहां dA है मेरे भाई, अब dA है तो इसका मतलब ये a तो फंक्शन है और जो x है ना, ये x कांस्टेंट है, अचर है, मतलब इसके अंदर फॉर्मूला, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं x की पावर a इंटू dA dx लिख दूं तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। सर x की पावर n के फॉर्मूले से x की पावर a प्लस वन अपॉन में a प्लस वन प्लस सी, अरे ऐसा ही तो करोगे, बस यहाँ उल्टा कर दिया, यहाँ a तो यहाँ a, मतलब a के सापेक्ष, तो x अचर हो गया। अब x क्या है, अचर है, और a क्या है, फलन है। इसका मतलब जब इसका a के सापेक्ष अवकलन समाकलन करोगे भाई, तो a x प्लस वन अपॉन में x प्लस वन प्लस सी, और ये इसका आंसर होगा, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए, अरे x की पावर n का फॉर्मूला भाई a है ना, तो a फलन हुआ है और x अचर हुआ है, तो x की पावर, अगर यहां dx होता तब इसमें a की पावर x का फॉर्मूला लगता भाई, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चलो सातवां क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो तरीके बताता हूँ आपको। पहला, नोट करके कहीं पे भी लिख लो, या मैं बाद में तो लिखवाने वाला हूँ, यहाँ पे भी लिख सकते हो, नोट 2000 का नोट भाई, 2000 का नोट डालो और उसके अंदर लिखो, यदि अंश व हर की घात, अंश वह हर की घात समान या अंश की घात हर से अधिक हो तो सर्वप्रथम डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे। अरे अंश हर तो जानते हो ना, जो ऊपर का है इसको अंश बोलते हैं और जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम हर बोलते हैं। कुंजन लेट चल रहा है, अब भी कहाँ सही टाइम पे आया, 10 से 15 मिनट हो गई है। देखो ठीक है भाई, अंश और हर की घात या तो बराबर हो या फिर अंश की घात हर से ज्यादा हो, तो सबसे पहले भाग देना है। भाग देना आता है, नहीं आता
तो सीख लो। नौवीं क्लास में, दसवीं क्लास में इस टाइप के आपने बहुत सारे भाग दिए ना, तो सबसे पहले भाग देना है। चलो भाग भी दे देंगे, पहले मैं बिना भाग सिखाता हूँ और फिर भाग देख के सिखाता हूँ, ठीक है भाई? ये नोट करना है आपको, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर इसमें पावर देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, मैक्सिमम पावर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, मतलब आंसर हर की घात समान है, तो सबसे पहले भाग देना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर में इसका भाग देना पड़ेगा आपको, या इसकी घात ज़्यादा हो, एक्स क्यूब हो, एक्स की पावर 4 हो, तब भी पहले डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ बराबर है तब भी डिवाइड करना पड़ेगा। चलो मैं बिना डिवाइड बताता हूँ पहले, जिसको बिना डिवाइड आ जाए बहुत अच्छी बात है, सीख लो, बिना डिवाइड करना सबको आ जाएगा। क्या करना है आपको, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो नीचे है 1 + x² नीचे है 1 + x², जैसा नीचे है ना वैसा ही ऊपर बना दो, जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर बना दो। चलो यहाँ एक्स स्क्वायर है, देखो नीचे भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ +1 और है, लेकिन ऊपर तो है ही नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से +1 जोड़ दिया। बताओ ऊपर और नीचे का सेम हुआ कि नहीं हुआ? अरे ऊपर और नीचे का सेम हुआ कि नहीं हुआ? ऊपर भी +1 और नीचे भी +1, 1 + x² 1 + x², लेकिन क्या? अच्छा सर स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है भाई, मैसेज तो अब किया ना। अच्छा अब समस्या ये आ गई कि सर अपनी मर्जी से +1 आपने जोड़ दिया, क्यों भाई? मेरी मर्जी से मैंने कुछ जोड़ा है तो मेरे को घटाना भी पड़ेगा, किसी संख्या से गुणा करूँगा तो मेरे को भाग भी देना पड़ेगा, अगर भाग दे रहा हूँ तो गुणा भी करना पड़ेगा, ये तो हमने पढ़ रखा है भाई। अगर आपने +1 किया है तो इसके साथ -1 भी लिखना पड़ेगा, +1 - 1, बताओ लिखा है कि नहीं लिखा है? इन दोनों को कट जाएंगे फिर से एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब जो जोड़ रहे हो वो घटाना पड़ेगा। अब देखो फिर से वही तरीका, एलसीएम है वो आप अलग अलग लिख सकते हो, एक बार तो जो ब्रैकेट लगा रखा है ना इसके नीचे लिख दो, एक बार इसके नीचे लिख दो, इसके नीचे लिखोगे तो 1 + x² / 1 + x², बीच में माइनस, एक बार इसके नीचे लिख दो तो 1 / 1 + x² और बाहर ब्रैकेट लगा के (dx). एक बार इसके नीचे एलसीएम लिख दिया, एक बार इसके नीचे एलसीएम लिख दिया भाई, ऊपर की सभी संख्या के नीचे एलसीएम लिखा जाता है, लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने इन दोनों के नीचे ही क्यों लिखा? ताकि ये दोनों कट जाएं भाई, कुछ तो बेनिफिट मिले। चलो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये दोनों कट गए तो यहाँ पे क्या बचा? एक, और एक के साथ यहाँ से मैं dx ले आता हूँ, बीच में माइनस है, माइनस फिर समाकलन 1 / 1 + x² (dx). देखो मैंने इसके साथ भी समाकलन लगा दिया, इसके साथ भी समाकलन लगा दिया, और जहाँ समाकलन लगाओगे वहाँ dx भी लिखना पड़ेगा, हो गया? अब करो समाकलन, लो आ गया आंसर, I इज इक्वल टू 1 × dx, 1 अचर है, अचर का अवकलन 0 नहीं होता, अवकलन 0 होता है, समाकलन 0 नहीं होता है भाई। समाकलन क्या होता है कि सर जो अचर है x की रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x आ जाएगा, यानी 1 × x करोगे तो x ही तो आएगा, माइनस किसका फॉर्मूला होता है, याद करो याद करो, 1 / 1 + x². सर ये तो tan इनवर्स x का होता है और एक होता है -cot inverse x का, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप, tan इनवर्स x भी लिख सकते हो और -cot inverse x भी लिख सकते हो, दोनों में से किसी एक को यूज करना। यहाँ माइनस है ना तो मैं cot वाला यूज कर रहा हूँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, cot इनवर्स x प्लस सी, अब बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा है कि सर cot ही यूज, मेरे भाई मैं नहीं कह रहा, tan लिख दो, अगर tan लिखोगे तो आंसर ये आएगा x माइनस
टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये भी सही है, ये भी सही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जब डिवाइड करोगे तो यही आने वाला है, डिवाइड के क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैं डिवाइड करना सिखाऊंगा। अभी तो इनसे ये तरीका सीख लो कि सेम संख्या जोड़ दो, सेम संख्या घटा दो, और जो ऊपर और नीचे की सेम हो जाए एक बार उसके नीचे लिख दो, एक बार जो बच गया उसके नीचे लिख दो, इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है सेक एक्स, क्वेश्चन नंबर 9 है आई इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। पहले मैं ये करा देता हूँ, ये थोड़ा सिंपल है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, पहले इधर आओ ताकि आपका दिमाग थोड़ा एक्टिव हो जाए। I इज इक्वल टू, देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, सर इसको हटाओ, ये प्लस माइनस में है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है तो सर पहले इसको हटाओ। कैसे हटाएंगे, देखो समाकलन, इसका मल्टीप्लाई जब sec x से होगा तो सर sec स्क्वायर x, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो बीच में प्लस sec x इंटू टेन एक्स इंटू टेन एक्स और बाहर dx। देखो या तो अलग अलग लिख दो या फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ। देखो I इज इक्वल टू, देखो sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि सर ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अरे ये दोनों मल्टीप्लाई से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, फॉर्मूला लिखवा रखा है। sec स्क्वायर x का तो सर इंटीग्रेशन समाकलन होता है tan x, बीच में प्लस है फिर प्लस, और sec x इंटू टेन एक्स इसका समाकलन होता है sec x। फॉर्मूले याद नहीं है तो फॉर्मूले याद कर लो, प्लस सी, यही आपका आंसर। लो भाई ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल था। इधर आ जाओ, 99% की बात कर रहा हूं, 1% छोड़ रहा हूं, 99% की बात कर रहा हूं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, यदि अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स आ जाए, 1 माइनस साइन एक्स आ जाए, 1 माइनस कोस एक्स आ जाए, या 1 प्लस कोस एक्स आ जाए, लगभग अगर अपॉन की बात कर रहा हूं मैं, अगर अपॉन के अंदर, हर के अंदर 1 प्लस साइन एक्स आ जाए, 1 माइनस साइन एक्स आ जाए, 1 प्लस कोस एक्स आ जाए, 1 माइनस कोस एक्स आ जाए, तो 99% उसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला भी लिखवा रखा है मैंने, अगर आपको याद हो तो, कि 1 प्लस साइन एक्स का क्या होता है, 1 माइनस साइन एक्स का क्या होता है, 1 प्लस कोस एक्स का क्या होता है, इनका फॉर्मूला लिखवाया था, और ये भी कहा था इनको याद कर लो, बार बार काम आएंगे। लेकिन 99% अगर ये दोनों आएंगे तो
99 क्या 100% परिमेयकरण करना पड़ेगा। अब बहुत सारों को ये नहीं पता परिमेयकरण क्या होता है। अरे जो नीचे हर में दिया गया है उसका बीच का साइन बदल के गुणा और भाग करना, जैसे मैं इसमें करने वाला हूँ। देख 1 प्लस साइन एक्स आ गया, देखो ऊपर कोस स्क्वायर एक्स और नीचे 1 प्लस साइन एक्स, तो डायरेक्ट तो समाकलन नहीं कर सकते, भाग के लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं है सर, तो हटाओ पहले इनको। राहुल कह रहा कब लिखवाया था, मेरे भाई ये मैंने लिखवाया था पहले जब हमने दूसरी प्रश्नावली पढ़ी, जब हमने अवकलन पढ़ा तब बार बार ये काम आ रहे थे ये फॉर्मूले। अरे इसका याद नहीं है, इसका क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई टू, इसका क्या होता है 2 sin स्क्वायर x बाई टू, इसका क्या होता है sin x बाई टू प्लस cos x बाई टू का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है sin x बाई टू माइनस cos x बाई टू का होल स्क्वायर। अरे ये मैं पहले बता चुका हूँ, दूसरी प्रश्नावली में भी पढ़े थे और जब हम अवकलन पढ़ रहे थे तब भी ये हमने पढ़ा था, दोनों टाइम पढ़े थे हमने। चलो तो इसका परिमेयकरण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर I इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। इसका परिमेयकरण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भाग में आ गया, डिवाइड के अंदर है, वो डिवाइड के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो सर हमें हटाना ही पड़ेगा इसको। कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई, यानी गुणा करना पड़ेगा, जो नीचे है ना इसका साइन बदलना है, यानी 1 माइनस साइन एक्स, जब आपने ऊपर लिखा है तो आपको नीचे भी लिखना पड़ेगा, और इसी को हम परिमेयकरण बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं परिमेयकरण, जो हर में है उसका चिन्ह बदल करके ऊपर और नीचे गुणा करना, ये होता है परिमेयकरण। ठीक है सर, क्या आया ऊपर देख लो भाई, ऊपर हो गया कोस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, और जब भी आप परिमेयकरण करते हो तो नीचे हमेशा एक फॉर्मूला बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, पढ़ा था ना। अरे ये तो पढ़ रखा है मेरे भाई, ये परिमेयकरण तो आप छठी सातवीं से सीखते हो, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ए स्क्वायर यानी एक माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स, अरे एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा, इनटू क्या हुआ सर डीएक्स हो गया। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में, और बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर एक्स के, किसके बराबर कोस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। देखो कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या बचा सर, हमारे पास बचा 1 माइनस साइन एक्स इंटू डीएक्स। बताओ अब इसके कोई मल्टीप्लाई में है क्या, क्या प्लस माइनस में है क्या, बिल्कुल सर माइनस के अंदर, भाग में नहीं है मल्टीप्लाई में नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हो, और यहाँ इसका मैं आंसर लिख देता हूँ। देखो 1 का जब x के सापेक्ष करोगे तो 1 इंटू एक्स, ठीक है भाई, क्योंकि अचर का जीरो नहीं होगा, वो तो अवकलन होता है, समाकलन में तो जिसके सापेक्ष कर रहे हो वो ही आ जाएगा, x के सापेक्ष तो x से मल्टीप्लाई, y के सापेक्ष तो y आ जाएगा, बीच में माइनस माइनस, साइन का हो गया कोस एक्स, लेकिन याद रखना जिसमें सी ओ आता है उसमें माइनस जरूर आएगा, इसका मतलब ये प्लस हो गया, और यही आपका आंसर। फटाफट कमेंट करके बताओ समझ में आया या फिर नहीं आया, करो भाई फटाफट मैसेज, मैं भी तो देखूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, तुम कितनी मेहनत कर रहे हो।
आ गया सर, स्वयं पी चौधरी, दीपक हुड्डा, इंद्रजीत, हाँ सर कुछ बच्चे आज एब्सेंट भी हैं। मैथ का जो क्लास का टाइम है वो चेंज कर दिया गया है, पहले 9:05 था, अब 10:10 हो गया भाई। ठीक है, यदि समय में कोई बदलाव होता है तो वो आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। मिटा दूं? चलो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत इजी है, दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। 11 है एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इलेवन नंबर पे है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, चलो भाई ध्यान दो, गलती क्या करोगे तुम, गलती ये करोगे कि जैसे ये क्वेश्चन आ गया और आपको इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, आप समाकलन की जगह अवकलन करोगे, 99% ऐसा करोगे जब तक दो तीन बार क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे। क्या करोगे, साइन इनवर्स एक्स का लिखोगे आप 1/(1 - x²) का अंडर रूट, इसका लिखोगे -1/(1 - x²), दोनों कट के आंसर जीरो। आंसर क्या आया, जीरो। आंसर भी आपका सही आ गया जीरो, और आप खुश हो जाओगे कि वाह क्या बात है, हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। बल्कि गलत है, कैसे, अरे मैंने कब कहा कि साइन इनवर्स एक्स का आप डायरेक्ट समाकलन कर सकते हो, मैंने कोई फॉर्मूला लिखवाया नहीं, मैंने तो ये लिखवाया कि 1/(1 - x² का अंडर रूट, अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो तब साइन इनवर्स एक्स आएगा, ना कि साइन इनवर्स एक्स का। भाई याद रखना, थोड़ा सा फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो फिर से याद दिला देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। थोड़ा सा और याद दिला देता हूँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू भी π/2, और sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स, तो इनकी वैल्यू भी π/2 आएगी। ये एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर लिखवाए गए फॉर्मूले हैं, याद नहीं है मेरे को पता है आपने पढ़े ही नहीं, थोड़ा सा याद कर लो, थोड़ा सा याद करो मेरे भाई, बहुत ज़रूरी है। हो गया, चलो अब बताओ, हो गया ये तो क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की जगह मैं π/2 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, π/2 इंटू क्या है, डी एक्स। π/2 की बात करें तो π/2 कॉन्स्टेंट है, अचर है, तो I इज इक्वल टू π/2, और जब आप अचर का समाकलन करते हो तो भाई डी एक्स तो क्या आने वाला है सर, एक्स प्लस सी, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी π/2 का समाकलन करने के बाद करने के बजाय अवकलन करेंगे और आंसर जीरो लेके आएंगे, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। मेरे को पता है तुम यहाँ गलती करोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक गलती करते रहोगे। ठीक है, 11वें पे आ जाओ,
अभी तो मैंने बताया, देखो यहाँ पे भी x की मैक्सिमम पावर x स्क्वायर है, नीचे भी x की मैक्सिमम पावर x स्क्वायर है। इसका मतलब अंश और हर की घात यदि समान है तो सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा, यानी आपको इसमें इसका भाग दे लो। भाग नहीं देते हो तो दूसरा मेथड भी मैंने बताया, भाग देना सिखाऊंगा, आगे सिखाऊंगा, अभी तो तुम दूसरा मेथड सीख लो। I इज इक्वल टू क्या बताया था भाई मैंने, नीचे देखो, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वन, लेकिन ऊपर तो एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो क्या करें सर? कोई बात नहीं मेरे भाई, देखो एक्स स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, प्लस वन चाहिए, प्लस वन अपनी तरफ से लिख दो, लिख दिया अपनी तरफ से। अब प्लस वन लिखा है तो माइनस वन भी लिखना पड़ेगा, लो माइनस वन लिख दिए, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, तो पीछे माइनस वन है तो पीछे माइनस वन लिख दो, इनटू क्या है dx। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन पहले से था, नीचे प्लस वन था तो प्लस वन जोड़ दिया, माइनस वन घटा दिया, एक जोड़ना है तो एक घटाना भी पड़ेगा, जोड़ भी दिया तो घटा भी दिया। माइनस वन माइनस वन क्या मैं ऐसे लिख दूं, माइनस टू, अरे माइनस वन और माइनस वन माइनस टू ही तो हो जाएगा, यहां लगाओ ब्रैकेट क्योंकि ये नीचे की संख्या के इक्वल है, तो एक बार तो इसके नीचे लिखेंगे एलसीएम को, एक बार इसके नीचे लिखेंगे और आपका आंसर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसके नीचे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, बीच में माइनस माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ब्रैकेट लगा के बाहर लिखना पड़ेगा dx। अलग अलग लिखना चाहो लिख सकते हो, यहां वन बचेगा तो वन के साथ क्या आ जाएगा dx, यहां माइनस टू, देखो माइनस टू कॉन्स्टेंट है, अचर है भाई, माइनस और ये दो अचर है तो अचर को बाहर लिख दिया तो अंदर क्या बचा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख दो, बात तो एक ही तो है। ठीक है, आई इज इक्वल टू, देखो वन का एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो एक्स आने वाला है भाई, तो यहां पे आ गया एक्स माइनस टू माइनस टू, भाई अचर के साथ कोई फंक्शन आ गया, कॉन्स्टेंट के साथ कोई फंक्शन आ गया तो कॉन्स्टेंट को छोड़ना पड़ेगा। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूले याद कर लो, टेन इनवर्स एक्स और पीछे क्या लगाओगे प्लस सी, और यही आपका आंसर हो गया। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट करके लिख दो भाई कि सर नहीं आया। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और हो जाएंगे अभी। मिटा दो, थोड़ा सा लेट चलता है लाइव में। चलो भाई ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये कह रहा है कि आई इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए,
ठीक है, वो आपको करना है। यहाँ टेन स्क्वायर एक्स है और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कोट स्क्वायर एक्स है। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इसे 14 नंबर, 13 आपको करना है भाई। ये कह रहा है कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में है 1 प्लस एक्स इसका अंडर रूट और माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक है। ऊपर 1 मान लो, 1 लिखोगे तो यहाँ डी एक्स लिखोगे, बात तो एक ही है, ठीक है भाई। तो देखो अब हम बात करें तो बहुत सारे विद्यार्थी पहली गलती करेंगे, पहले पावर का फिर टेन का फिर एक्स का, वो तो अवकलन होता है भाई। लेकिन हमें तो इंटीग्रेशन करना है, समाकलन। पावर का तो एक्स की पावर सिर्फ एक ही होता है सर, जब एक्स की पावर एन आ जाए तो एक जोड़ दो एन प्लस वन, ये सिर्फ कब संभव है, जब ओनली एक्स आ जाए तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अन्यथा किसी के अंदर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो सर इसका कैसे करें, इसमें ऐसा नहीं होता कि पहले पावर का कर दो फिर टेन का कर दो फिर एक्स का कर दो, वो तो डिफ्रेंसिएशन होता है, अवकलन होता है, ना कि समाकलन। तो सर क्या करें, तो इसको कन्वर्ट करो, इसको चेंज करो भाई। सर किस में चेंज करें, आप इसमें चेंज करो कि जिसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो। अब दिमाग लगाओ कि इसको ऐसे में चेंज करना है कि जिसका हम समाकलन कर सकते हैं आसानी से। तो हमने देखा कि सर यदि हम बात करें, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये sec स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर एक्स के बराबर। तो मैं आपसे पूछूं कि tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बताओगे कि सर sec स्क्वायर एक्स माइनस वन के बराबर हो जाएगा। और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, 1 का इंटीग्रेशन भी हमें पता है, cot स्क्वायर एक्स का भी 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ही, और ये दिक्कत है 2-4 दिनों के, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई, खुद फटाफट कर लोगे तुम। देखो टेन स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, I इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है tan x, माइनस है माइनस, 1 का x के सापेक्ष करोगे तो x प्लस c, ये आंसर आ गया। बताओ सिंपल सा हुआ कि नहीं हुआ, समाकलन पढ़ाते पढ़ाते हम अवकलन भूल गए। ओहो मेरे भाई, ये तो जब दोनों को साथ प्रैक्टिस करो, कल भी मैंने बताया था कि दोनों के फॉर्मूले लिखो और फिर देखो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये कंफ्यूज रहेगा, लास्ट तक रहेगा, कब हटेगा ये, तब आप दोनों चीज़ों को साथ साथ पढ़ने लग जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि अवकलन क्या है समाकलन क्या है, वरना कन्फ्यूज होगे, क्योंकि एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है, मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, और जब दोनों एक साथ करोगे तो प्लस माइनस, तभी तो करंट आएगा। एक को ले जाओगे दूर कुछ होने वाला नहीं है, माइनस को दूर ले जाओगे कुछ होने वाला नहीं है, जब पास लेके आओगे तभी अट्रैक्शन होगा वो, ठीक है। चलो ये देखो, ये तो आपको देखते ही बता देना चाहिए कि सर ऐसा अंडर रूट ऐसा कुछ आता है तो सबसे पहले हम परिमेयकरण करते हैं। क्वेश्चन तो यही था ना, देखो परिमेयकरण करना बिल्कुल सिंपल सा है, 1 प्लस एक्स इसका अंडर रूट, ठीक है, बीच में सिर्फ माइनस की जगह प्लस लगा के, एक बार तो मल्टीप्लाई करना है और एक बार क्या करना है, डिवाइड करना है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स इसकी पावर 1/2 प्लस एक्स
इसकी पावर एक बटे दो अपॉन में देख लेते हैं भाई। अरे यही तो बचेगा, अंडर रूट का मतलब पावर एक बटे दो भाई, अंडर रूट का मतलब पावर एक बटे दो। अच्छा क्या हुआ, क्या करें अब देखो, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो मैंने बताया था ना कि फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस एक्स, बीच में माइनस, बी स्क्वायर जब इसका स्क्वायर करोगे तो x, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। और अपॉन में 1 का कोई महत्व नहीं है, 1 को हटा दो तो क्या बचा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स इसकी पावर एक बटे दो इंटू डी एक्स, फिर प्लस x की पावर एक बटे दो इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करते हैं, I इज इक्वल टू, देखो x के साथ प्लस एक है, क्या प्लस एक को बाहर निकाल सकते हो क्या? सर नहीं आएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगा के फिर एक बटे दो लिखा गया है। तो याद रखना जब इस टाइप से आ जाए और x के साथ कोई भी कांस्टेंट जुड़ रहा हो, घट रहा हो, तो कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या करें तो सर, कुछ नहीं करना, बस x की पावर n के फॉर्मूले से 1 प्लस x की पावर एक जोड़ोगे तो तीन बटे दो, तो नीचे आएगा तीन बटे दो, तो यहां मैं लिख देता हूं दो बटे तीन, ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस लगाओ, x की पावर तीन बटे दो और दो बटे तीन और प्लस c। एक बात का और याद रखना, जब ऐसा आ जाए तो अगर x के साथ कुछ भी जुड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अचर कांस्टेंट जुड़ना चाहिए, जैसे दो जुड़ जाए, चार जुड़ जाए, पाँच जुड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ठीक है x की पावर n के फॉर्मूले से। बस इतना याद रखना कि जो x का गुणांक है ना उसको अपॉन में जरूर लिखा जाता है। यहाँ देखो x का गुणांक एक है, x का गुणांक कितना है एक, तो यहाँ अपॉन में एक लिखने की आवश्यकता नहीं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये आ गया तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं करूँगा कि सर 1 प्लस 2x इसकी पावर 3 बटे दो और 2 बटे 3 आगे आ जाएगा, ऐसा ही आ गया। लेकिन यहाँ x का गुणांक 2 है, तो 2 है तो अपॉन में 2 लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ माइनस 2 है तो यहाँ माइनस 2 लिखना पड़ेगा। बस इतना याद रखना कि x का जो गुणांक है वो नीचे लिखा जाता है, ये मैं कल भी बता चुका हूँ। तो एक्स का गुणांक नीचे अपॉन में वन लिखने की आवश्यकता है नहीं, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो आज के लिए जो हमारी सभा है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक बार फिर से समाकलन के साथ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।